हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन एजोर डाटा फैक्ट्री सीरीज। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था सेट वेरिएबल एक्टिविटी क्या होता है, और आज के वीडियो में जानेंगे अपेंड वेरिएबल एक्टिविटी क्या होता है और उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं हमारे डाटा फैक्ट्री में और क्यों किस लिए काम आता है। ठीक है, क्या है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इस पाइपलाइन को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ को डिलीट कर देता हूँ। अपेंड वेरिएबल नाम का एक फंक्शन होता है, वेरिएबल होता है सॉरी, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो अपेंड वेरिएबल जनरली काम कब आता है, जब आप कोई मेरा लिस्ट है उस लिस्ट में मैं कुछ और डेटा भी अपेंड करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस मैं अपेंड वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगा। तो उसी के बारे में जानेंगे अपेंड वेरिएबल क्यों इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास पैरामीटर्स है, वेरिएबल है, तो मैं ये ग्लोबल लेयर में जब मैं स्पेस पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे आएगा। तो पैरामीटर में कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया फाइल नेम और वैल्यू कुछ ऐसे डाल के रखा है। आप वेरिएबल में यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ लिस्ट ऑफ फूड्स। डिफॉल्ट वेरिएबल में मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं डालना है, मेरे को एरे चूज करना है। एरे में क्या चूज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओट्स पनीर, साथ में मैं कुछ और लिखूंगा राजमा, और मैं लिखूंगा जैसे मैं कुछ और भी लिखता हूँ चिक पीस। ये कुछ वेरिएबल्स मैंने डाली, सॉरी मैंने कुछ डेटा डाला है। डेटा को मैं स्प्रेड कर दूंगा, कॉमा से मैं सारे डेटा को लिखूंगा और उसको मैं यहाँ पे एरे चूज करूंगा। तो ये मैं जब मैं अपेंड वेरिएबल में जाऊंगा, इन दैट केस मैं यहाँ पे वेरिएबल पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से लिस्ट ऑफ फूड्स सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे वैल्यू में डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नेम ऑफ द वेरिएबल है, अपेंड वेरिएबल काइंड ऑफ स्टफ डाला है मैंने। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ मैं, अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। वेरिएबल में वैल्यू में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड डायनेमिक कंटेंट में कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकता हूँ। काम करते हैं, मैंने यहाँ पे फाइल नेम डाल के रखा है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फूड नेम डाल देता हूँ और इसका वैल्यू मैं थोड़ा हार्ड कोड कर देता हूँ, कुछ मैं ऐसा वैल्यू लिखता हूँ जो मेरे को, हाँ ग्रीन टी लिखता हूँ यार, ग्रीन टी। अपेंड वेरिएबल में जाते हैं, वैल्यू हैड डायनेमिक कंटेंट, पैरामीटर्स है लिस्ट ऑफ फूड, ये मैंने पैरामीटर भी डाल दिया। और एक मिनट, एक काम करते हैं, हाँ तो उसको वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने में क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे जैसे मैं एक एरे बनाता हूँ तो मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा आगे और पीछे, और इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। इफ़ आई एम यूजिंग एनी नंबर्स इन दैट केस मेरे को, मैं बिना डबल कोट्स के अंदर भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ जल्दी से मैं एक राजमा भी लिख देता हूँ, तीन मैंने चीज़ डाली, इसको पब्लिश कर देते हैं। अपेंड वेरिएबल इसीलिए काम आता है, आप रियल टाइम सिनेरियो में आप अपेंड करेंगे कहीं पे, कहीं से डाटा कहीं से ले आ रहे होंगे आप, या तो कोई जो आपका सिनैप सर्वर होगा या फिर एनीथिंग लाइक। तो आज के वीडियो में जानना है कि अपेंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ पे डाटा फैक्ट्री में। तो इस वीडियो में इतना ही था, टिल देन बाय। बाकी हमारे चैनल को कोडम 2.0 को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और जाइए सारे वीडियो प्लेलिस्ट यहाँ पे प्ले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। डाटा फैक्ट्री की प्लेलिस्ट हो गया, एज्योर के प्लेलिस्ट हो गया, एज्योर के प्लेलिस्ट में सब कुछ आएगा, डाटा फैक्ट्री हो गया, डाटा ब्रिक्स हो गया और बाकी वर्चुअल मशीन के ना सब कुछ आने वाला है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी CSS की सीरीज में CSS फॉलो कर सकते हैं, बुक स्टोर API में आप API कैसे बनाते हैं, ASP.NET Core 6 वर्जन में, तो वो आप सीख सकते हैं। कोर का 6 वर्जन है, नया वर्जन है, जनरली आपको वीडियोस शायद ना मिले यूट्यूब पे, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, बाकी हमारा ई-कॉमर्स का .NET फ्रेमवर्क कैसे किसे एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बनाते हैं वो भी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज में जा सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से जाने का फिर FB पेज।
तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी अलग अलग सीरीज चल रही है, तो ये भी फॉलो कर सकते हैं आप। सिनेस की सीरीज ऑलरेडी आने वाली है हमारे चैनल पे, तो थोड़ा सिनेस में और सिक्वल सर्वर में क्या डिफरेंस होता है सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। सिक्वल सर्वर की भी सीरीज है, तो सब कुछ आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है,